हेलो स्टूडेंट्स मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC e पाठशाला में CGPSC e पाठशाला के आज के इस वीडियो में हम हमारे ऑनलाइन कोर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं CGPSC e पाठशाला के द्वारा पिछले साल की तरह इस साल भी छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का एक स्पेशल ऑनलाइन बैच बनाया जा रहा है जिसकी क्लासेस CGPSC e पाठशाला के मोबाइल ऐप में कंडक्ट होंगे जिसका रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है यह क्लास शुरू होने वाला है आपका 15 मई से ठीक है तो इस क्लास में कौन कौन से टॉपिक कवर कराए जाएंगे किस तरह की क्लासेस होगी किस प्रकार से आपको क्लासेस अटेंड करना है क्या क्या चीजें इसमें कवर कराया जाएगा ये सारा के सारा चीज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ठीक है ये जो आपका स्पेशल ऑनलाइन बैच बनाया जा रहा है ये सीजीपीएससी प्री और व्यापम के एग्जाम को टारगेट करते हुए बनाया जा रहा है यानी जो सिंगल वन डे एग्जाम होते हैं उसे टारगेट करते हुए बनाया जा रहा है जिसमें छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे ध्यान दीजिएगा इसमें पूरा कंप्लीट आपका जो है छत्तीसगढ़ जीएस होगा इसमें इंडियन जीएस इंक्लूड नहीं है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को कवर कराया जाएगा ठीक है तो देखिए ध्यान से समझिएगा ये है आपका ऑनलाइन बैच दो जिसमें छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सीजी जनरल स्टडी के इसमें टॉपिक कवर कराए जाएंगे जो कि सीजीपीएससी प्री और व्यापम के एग्जाम को टारगेट करते हुए बनाया जा रहा है अब इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे और किस प्रकार से होंगे उस पर हम ए, आगे चर्चा करेंगे पहले देख लीजिए इसके अंतर्गत आपको क्या क्या फैसिलिटी होगी ये जो आपका ऑनलाइन क्लास है ये सीजीपीएससी ई पाठशाला के मोबाइल ऐप में होगा ठीक है आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर e के सीजीपीएससी ई पाठशाला के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं उसके स्टोर सेक्शन में जाकर के आप चेक कर सकते हैं वहां पर आपको इसका रजिस्ट्रेशन वहां से आप करवा सकते हैं तो ये जो है आपका ऑनलाइन क्लास सीजीपीएससी ई पाठशाला के मोबाइल ऐप में होगा बैच स्टार्ट होगा आपके पंद्रह मई से पंद्रह मई से आपका प्रॉपर बैच स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है आपका चौदह मई ठीक चौदह मई रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है इस डेट तक जितने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन्हें ही लेकर के आगे बैच कंटिन्यू होगा ठीक है इसमें कुछ सीट लिमिटेड है जो हम डिसाइड करेंगे कि कितने स्टूडेंट के साथ हमें स्टार्ट करना है मोस्ट प्रोबेबली आपका चौदह मई तक जितने स्टूडेंट इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसे लेते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे ठीक है कोर्स का जो आपका ड्यूरेशन है कोर्स कंप्लीट करने का जो टारगेट है यह रखा गया है तीन महीने का यानी कि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जितने भी सिलेबस है इसे हम तीन महीने तक महीने के अंदर पूरा कराने की कोशिश करेंगे वैसे तो ये जो आपका जो आपका पूरा सिलेबस है आपके इस छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के बैच के अंतर्गत ये सारा का सारा सिलेबस आपका मुश्किल से दो से ढाई महीने के अंतर्गत यानी कि आपके पचास से पचपन दिन के आसपास ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है लेकिन फिर भी हम नब्बे दिन का टाइम लेते हुए चल रहा है क्योंकि हो सकता है कि बीच में कोई कंडीशन आ जाए कोई मेरे साथ ही कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाए कोई मेडिकल कंडीशन आ जाए या जा फिर कोई बीच में फेस्टिवल्स आ जाए या कोई टेक्निकल इशू आ जाए टेक्निकल इशू का मतलब हो सकता है कि किसी दिन हमारा जो है कोई टेक्निकल इक्विपमेंट खराब हो गया कैमरा खराब हो गया माइक खराब हो गया या पर्टिकुलर उस दिन जो है कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया जिसके कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाया तो इस कारण से बीच में आने वाले जो अप एंड डाउन है उसे देखते हुए कोर्स को जो कंप्लीट करा कंप्लीट कराने का जो टाइम ड्यूरेशन रखा गया है वो है नब्बे दिन का लगभग तीन महीने में आपका ये छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का बैच कंप्लीट हो जाएगा जो कोर्स की वैलिडिटी है ये कोर्स की वैलिडिटी रहेगी आपके 28 फरवरी 2023 तक यानी कि अगले साल तक अगले साल जो आपके जनरली जो सीजीपीएससी प्री के एग्जाम फरवरी महीने में हो जाते हैं तो फरवरी महीने के एंड डेट तक यानी कि अट्ठाईस फरवरी दो तक जितने भी कोर्स हम कंप्लीट करेंगे इस आपके तीन महीने के टाइम ड्यूरेशन में वो सारे के सारे वीडियो आपके मोबाइल ऐप में एज इट इज बने रहेंगे आप जितने बार चाहे उतने बार उस वीडियो को आप देख सकते हैं ठीक है वो मोबाइल ऐप में बने रहेंगे लेकिन 28 फरवरी के बाद ये बैच आपका कर दिया जाएगा यानी कि बैच क्लोज हो जाएगा 28 फरवरी तक जितने भी हम सिलेबस कवर करेंगे वो सारे के सारे वीडियोस को आप जितने बार चाहे उतने बार अपने मोबाइल ऐप में एक्सेस कर सकते हैं ठीक है एक्सेस जो है आपका अनलिमिटेड है आप 28 फरवरी तक वीडियो लेक्चर्स इसमें जो है इस ऑनलाइन बैच में आपको पर डे पर डे आपको दो वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराया जाएगा ये डिपेंड करेगा देखिए पर डे दे जो है आपको दो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा और जो वीडियो लेक्चर का जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम आपका पंद्रह मिनट का मैक्सिमम चालीस मिनट का होगा देखिए वीडियो ड्यूरेशन अगर हम चाहे तो इसे बढ़ा सकते हैं एक्चुअली में ये जो आपका जो कोर्स बनाया जा रहा है इसमें हमारे पास दो ऑप्शन थे एक था आपका लाइव क्लास और दूसरा था आपका रिकॉर्डेड क्लास हमने डिसाइड किया है कि हम आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करेंगे जैसे कि आपको यूट्यूब में वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं उसका भी एक अपना कारण है देखिए अगर हम लाइव क्लास लेते हैं तो लाइव क्लास के दौरान हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर सारे स्टूडेंट उस लाइव क्लास को अटेंड ना कर पाए या फिर लाइव क्लासेस चल रही है उस कंडीशन में बहुत से स्टूडेंट का कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया नेटवर्क फ्लक्चुएशन आ गया बहुत से ऐसे रीजन होगा कि जिसके कारण से वो ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे तो उस कंडीशन में हमारा क्लास जो है बीच में इंटरप्ट होगा पर्टिकुलर स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि मैं लाइव क्लास देख नहीं पा रहा हूं या मेरे मोबाइल में आपके क्लासेस चल नहीं रहे तो उस कंडीशन में क्या है जबरदस्ती का लाइव क्लास डिस्टर्ब होगा तो इसलिए हमारे द्वारा ये डिसाइड किया गया है है कि जो लेक्चर्स वो रिकॉर्ड करके अपलोड किए जाएंगे यूट्यूब की तरह ठीक है इससे बहुत से चीजों में आप ही लोगों को बेनिफिट है रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगा तो इससे हमारा टाइम बचेगा लाइव क्लासेस के दौरान क्या होगा कि मैं बोर्ड पे बहुत सारी चीजों को लिख करके आपको बताऊंगा वैसे तो सारे चीजें कंटेंट आपका डिजिटल बोर्ड में रहेगा लेकिन इसके बावजूद भी लाइव क्लासेस के दौरान क्या होता है कि बहुत सारी चीजों को और भी एक्स्ट्रा लिख करके बताने की जरूरत पड़ती है तो अगर हम इस लाइव क्लासेस को चलाएंगे तो बहुत सी चीजें बोर्ड पे लिखनी पड़ेगी लाइव क्लासेस के दौरान बहुत सी चीजों को लिखने का समय आप लोगों को देना पड़ेगा ठीक है फिर बहुत सी चीजों को डिजिटल बोर्ड में भी आपके रब करने की यानी कि मिटा करके फिर से नई चीजों को लिखने की जरूरत पड़ेगी तो ये सारे चीजों में जो आपका समय है लग जो वीडियो लेक्चर आपका 20 से 25 मिनट में कंप्लीट हो सकता है वही वीडियो लेक्चर जबरदस्ती का आपका एक से डेढ़ घंटे का बन जाएगा और ज्यादा लंबा वीडियो लेक्चर वैसे भी कोई देखना नहीं चाहता तो देखिए रिकॉर्डेड वीडियो है इसका मतलब ये नहीं कि चीजें जो है आपको कम बताई जाएगी चीजें आपको पूरी बताई जाएगी इसमें जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट ऑफ टाइम है उसे हटाया जा रहा है यानी कि लिखने में जो आपका समय लगेगा या बीच में हमारा ही कुछ इंटरप्शन हो जा रहा है या लाइव क्लासेस के दौरान जो इंटरप्शन होते हैं वो सारे चीजों को हटा करके एक प्रॉपर रॉ मटेरियल एकदम जो टू पॉइंट चीजें जो है वो आपको रिकॉर्डेड क्लास में मिलेगी ठीक है इसमें जो है वीडियो का ड्यूरेशन 15 मिनट कम से कम अधिक से अधिक 40 मिनट का होगा 15 मिनट क्यों क्योंकि बहुत से लेक्चर्स ऐसे हैं जैसे कि मान लीजिए आगे हम देखेंगे जिला दर्शन वाला हमारा टॉपिक है तो जिला दर्शन वाले टॉपिक में बताने के लिए बहुत कम कंटेंट रहते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट रहता है ठीक है तो कम से कम कोई क्लास जो है वो आपका पंद्रह मिनट के आसपास बारह पंद्रह मिनट सबसे छोटा और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ की जलवायु वो बहुत बड़ा टॉपिक है ठीक है उसको समझाने के लिए एकदम अलग से सेपरेट टाइम देना पड़ता है तो वो वीडियो थोड़ा सा लंबा बनता है तो जो वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो 15 से 40 मिनट के आसपास का वैरी करेगा ठीक है नोट नोट सबमिट सबमिट डेली बेसिस में आपको नोट करने के लिए दिया जाएगा ठीक है वो कैसा प्रोसेस रहेगा इसका एक और अलग से वीडियो जो आपका पहला पंद्रह मई को जो वीडियो आएगा उसमें आपको प्रॉपर सारा चीजें एक्सप्लेन करके बताई जाएगी कि आपको किस प्रकार से क्या क्या चीजें करनी है ठीक है तो ये है आपकी प्लानिंग मोबाइल ऐप में क्लासेस होगी बैच स्टार्ट होगा पंद्रह मई से चौदह मई रजिस्ट्रेशन का आखिरी डेट है कोर्स कंप्लीट हो जाएगा लगभग तीन महीने में कोर्स की वैलिडिटी रहेगी आपके अट्ठाईस फरवरी दो यानी कि अगले साल तक इसको जो है इसमें जितने भी वीडियो रहेंगे आप उसे जितने बार चाहे उतने बार देख सकते हैं अनलिमिटेड एक्सेस है 28 फरवरी 2023 तक वीडियो लेक्चर्स पर डे आपको दो वीडियो तो लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे देखिए पर डे दो वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे लेकिन हो सकता है कि किसी दिन कोई क्लास आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा तो उस दिन आपको एक ही वीडियो लेक्चर मिले जैसे कि मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ जलवायु वाला टॉपिक काफी बड़ा है लगभग आपका 40 मिनट 45 मिनट 55 मिनट का वीडियो बनता है तो उस दिन जो है हमको लगा कि अगर कोई एक पर्टिकुलर वीडियो जो काफी इंपॉर्टेंट है जिसे ध्यान लगा के पढ़ने की जरूरत है तो उस दिन आपको एक ही वीडियो लेक्चर मिलेगा इसका समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मोबाइल ऐप में मिलता रहेगा किस दिन क्लासेस होगी किस दिन क्लासेस नहीं होगी क्लासेस जनरली आपके मंडे टू सैटरडे चलेगा संडे आपका ऑफ रहेगा वो सारा जानकारी आपको प्रॉपर शेड्यूल बना करके बैच शुरू होने से पहले बता दिया जाएगा ठीक है पंद्रह मई को वो सारा एक पहला वीडियो आएगा जिसमें सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है क्या करना है ये आपको बताया जाएगा ठीक है अब देखिए कौन कौन से टॉपिक कवर कराए जाएंगे इसे समझ लीजिए ठीक देखिए इस छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का जो बैच बनाया जा रहा है इसमें जो टॉपिक कवर कराए जाएंगे सबसे पहले तो जो छत्तीसगढ़ का जो जिला दर्शन है यानी कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान में 28 जिले अभी तो वर्तमान में 28 जिले है ठीक है कहने के लिए तो चार नए जिले का सृजन हो गया है लेकिन अभी तक उसका प्रॉपर राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है ठीक है तो फिलहाल हम लेते हुए चल रहे हैं अगर हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया या राजपत्र में प्रकाशित हो गया कि जो चार और जिले हैं यानी कि मनेन्द्रगढ़ हो गया आपका मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी हो गया सारंगढ़ बिलाईगढ़ हो गया और सख्ती हो गया ये अगर चार नए जिले अस्तित्व में आते हैं तो उन जिलों को भी हम इसमें कवर करेंगे लेकिन फिलहाल समझते हुए चलिए कि इस छत्तीसगढ़ जिला दर्शन वाले टॉपिक में हम मैप आधारित अट्ठाईस जिलों को जो है इनका मैप बना करके प्रॉपर मैप आधारित उसे हम कवर करेंगे ठीक है हर एक जिले का मैप बना करके डिटेल में उसका डिस्कशन करेंगे तो जो शुरू का जो आपका टॉपिक है छत्तीसगढ़ जिला दर्शन इसमें प्योर ये जो आपका लेक्चर है ये मैप आधारित होगा ठीक है जिसमें हम मैप बना करके इन सारे 28 जिलों को कवर करेंगे अगर कोई नए जिले और बनते हैं तो उनका भी अलग से सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा ठीक इसमें हम छत्तीसगढ़ का भौगोलिक अध्ययन कवर करेंगे छत्तीसगढ़ भौगोलिक अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक अध्ययन छत्तीसगढ़ का स्थलाकृति अध्ययन नदी जल प्रपात सिंचाई परियोजना जलवायु मिट्टी खनिज वन उद्योग ऊर्जा यानी कि कंप्लीट छत्तीसगढ़ का भौगोलिक अध्ययन आपका कवर कराया जाएगा इस टॉपिक के अंतर्गत तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़ की जनजाति यानी कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है किस स्थान पर निवास करती है कितने प्रकार की जनजातियां हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करती है उनका रहन सहन उनका खान पीन उनका बोली उनकी भाषा ठीक है उनका जो है आपका उनके प्रमुख देवता उनमें होने वाली विवाह पद्धति उनकी उनकी कला उनकी संस्कृति ये सारा चीज आपका छत्तीसगढ़ जनवायु छत्तीसगढ़ के जनजाति टॉपिक में कवर कराया जाएगा देखिए देखने के लिए तो काफी छोटे छोटे -चोड़ टॉपिक लग रहा है लेकिन जो छत्तीसगढ़ जिला दर्शन है यही लगभग आपका पंद्रह से बीस लेक्चर के आसपास छत्तीसगढ़ जिला दर्शन वाला टॉपिक कवर होगा छत्तीसगढ़ भौगोलिक अध्ययन ये भी काफी लंबा टॉपिक चलता है हर एक आपका टॉपिक सेपरेट बनता है प्रकृति स्थलाकृति नदी जलप्रपात सिंचाई सिंचाई परियोजना जलवायु ये दो दो लेक्चर तीन तीन लेक्चर में एक एक टॉपिक कवर होता है तो लगभग छत्तीसगढ़ का पूरा भौगोलिक अध्ययन कवर करा जाएगा छत्तीसगढ़ की जनजाति अपने आप में सेपरेट क्वेश्चन है ठीक है अपने आप में सेपरेट टॉपिक है जिसमें से एक न एक क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही छत्तीसगढ़ की जनजाति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनका हम जो है छत्तीसगढ़ जनजाति के अंतर्गत इनका जनगणना दो के आधार पर जो महत्वपूर्ण इनके आंकड़े है जैसे इनका साक्षरता दर इनका लिंगानुपात ये सारा चीज हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे ठीक है कितने प्रकार की जनजाति है कहां, कहां निवास करती है इनकी इनके प्रमुख देवता कौन है इनके इनकी बोली भाषा क्या है ये सारा चीज इनका संकेंद्रण किस जिले में है ये सारा चीज हम छत्तीसगढ़ के जनजाति और टॉपिक में कवर करेंगे उसके बाद छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति जिसके अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार आभूषण लोकगीत लोक नृत्य ये सारा चीज कवर करेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्र ये सभी आपके छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति वाले टॉपिक में कवर होगा उसका छत्तीसगढ़ का इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास आधुनिक

जो पहले बार जो ज्वाइन कर रहा है उन्हें भी ध्यान पे रख रखकर के बैच बनाया जा रहा है और जो ऑलरेडी एक दो साल तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी ध्यान में रखकर के बैच बनाया जा रहा है तो हो सकता है कि शुरुआती लेक्चर ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी दो तीन साल तैयारी कर चुके हैं उन्हें थोड़ा सा उबाऊ लगे लेकिन ये जो बैच बनाया जा रहा है ये हर किसी को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है तो जीरो से एडवांस लेवल तक हम जाएंगे ठीक है हर एक टॉपिक को कवर करेंगे शून्य शुरुआत से लेकर के थोड़े एडवांस लेवल तक हम ये सारा टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे यानी कि वीडियो लेक्चर्स के दौरान अगर मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि वो वो जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक से ये वाला पोर्शन किस एग्जाम में आया है ठीक है एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आया है तो उस पर हम जोर देकर के थोड़ा सा अलग से सेपरेट तरीके से उसे पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद है आपका ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है सेपरेट टॉपिक है और जनरली जो है इससे क्वेश्चन उठते हैं हर एक एग्जाम एक में इससे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे है। अगर हम बात करें तो एक साल पीएससी में लगभग आपका 20 से 25 क्वेश्चन ग्राम पंचायत से ही आ गया था और उसके अगले साल नगरी निकाय से 20 से 25 क्वेश्चन पूछ दिया गया था तो ये काफी इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायत एवं नगरी निकाय को इसमें हम कवर करेंगे ठीक उसके बाद छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाएं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जब से भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है तब से लेकर के अब तक जितनी भी नवीन योजनाएं आई है उन नवीन योजनाओं को और कुछ पुरानी योजनाएं देखिए पुरानी योजनाओं को हम जनरली छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण में कवर कर लेते हैं ठीक है, है? छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण का जो आखिरी आखिरी का जो चैप्टर है उसमें आपका छत्तीसगढ़ की जो छत्तीसगढ़ में संचालित जो पुरानी योजना है वो उसमें कवर हो जाती है लेकिन जो नवीन योजनाएं है जब से भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है जैसे कि गोधन न्याय योजना राजीव गांधी किसान न्याय

टॉपिक्स uh, का जो पूरा का पूरा जो बायो हेलो 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 ठीक है तो ये है आपका छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का पूरा का पूरा टॉपिक का यहां पे डिस्कशन ठीक देखिए यहां पर दिखने के लिए तो आपको बहुत कम टॉपिक दिख रहा है लेकिन हर एक टॉपिक का जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा जाता है ठीक है जैसे कि आपका जिला दर्शन जो है ये कम से कम पंद्रह से बीस लेक्चर में कवर होते हैं भौगोलिक अध्ययन बहुत लंबा जाता है ये भी आपका बीस पच्चीस लेक्चर के आसपास बीस पच्चीस तीस लेक्चर के आसपास खींचा जाता है छत्तीसगढ़ की जनजाति ये भी लगभग आपके पांच से छह छह सात आठ लेक्चर में ये भी कवर होता है लोक लोकल एवं संस्कृति छत्तीसगढ़ का इतिहास ये भी बहुत लंबा जाता है ठीक है तो ये सारा टॉपिक आपको कवर कराया जाएगा साथ ही साथ जो आपका छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण जो नया आर्थिक सर्वेक्षण अभी कवर कराया जा रहा है दो हजार -20, और आपका छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर ये आपके यूट्यूब में एज इट इज आएंगे ठीक है इसे मैंने छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण को कवर नहीं कराया इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो यूट्यूब पर सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा ठीक है जिस प्रकार से पहले आता था वैसे ही आएगा तो बैच जो बनाया जा रहा है ये आपके जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक के लिए बनाया जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करते हुए चलेंगे साथ ही साथ जो क्लासेस है वो रिकॉर्डेड क्लासेस होगी और दूसरा चीज देखिए मैंने बता दिया है कि क्लास जो शुरू होगा ये पंद्रह मई से होगा ड्यूरेशन ये बता दिया है कि लगभग तीन महीने के तीन महीने का जो टाइम पीरियड है इसमें हम पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कवर करा देंगे कुछ थोड़े से एक कुछ दो दिन चार दिन पांच दिन एक्स्ट्रा हो सकते हैं लेकिन जनरली जो आपका तीन महीने का जो टाइम ड्यूरेशन दियूरे, है इसमें पूरा का पूरा आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा लेकिन बीच में अगर कोई एग्जाम आते हैं जैसे कि मान लीजिए अभी पटवारी का एग्जाम आने वाला है यानी कि होने वाला या आगे आने वाले समय में छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम होगा या फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम होगा या कोई भी अन्य एग्जाम होगा तो कोई भी मैसेज करके ये नहीं बोलेगा कि सर ये पर्टिकुलर एग्जाम आने वाला है तो कोर्स जल्दी कंप्लीट कराइए ये जो बैच बन रहा है ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं बन रहा है आपको भी पता है लास्ट ईयर ही मैंने कोर्स जो है ये बैच बनाया था ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं बना था ये बैच आपका जिस समय स्टार्ट हुआ है उस समय से लेकर के जो टारगेट रखा गया है तीन महीने का उतने ही टाइम ड्यूरेशन में कवर कराया जाएगा बीच में अगर अचानक से कोई एग्जाम आ गया मान लीजिए पंद्रह मई को आपका ये बैच चालू हुआ उसके बाद कोई एक एग्जाम एक आ गया जो कि आपके एक जून को होने वाला है पंद्रह दिन के अंतर्गत सर पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट ये चीजें नहीं हो सकती ठीक है चीजों को पढ़ना है इतमान से पढ़ना है डिटेल में पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है तो बीच में कोई एग्जाम आएगा तो मैसेज करके यह मत बोलिएगा कि सर कोर्स को जल्दी कवर कराइए कोर्स अपने दिए गए निर्धारित समय पर कवर होगा ठीक है और यह जो कोर्स है यह 28 फरवरी 2023 तक मोबाइल ऐप में एज इट इज बने रहेंगे ठीक है तो यह चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दूसरा चीज सर जो पिछले साल मैंने ये प्रॉब्लम काफी लोगों का फेस किया था कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि सर जो वीडियो लेक्चर जो मोबाइल ऐप में अपलोड होते हैं उसे देखने में बहुत सारा हमारे मोबाइल का डाटा चले जाता है अरे ऑनलाइन बैच है ऑनलाइन बैच का मतलब ही है कि आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी और उसमें जो है आपका डाटा कंजम डाटा जो है कंज्यूम होगा तो उसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है ठीक है ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ऑनलाइन बैच का मतलब ये नहीं है कि आप घर में जो है आपके हाथ में मोबाइल अरे दिन भर में यूट्यूब देख करके पूरा समय बिता देते हो तो लेक्चर देख करके समय बिता लो ठीक है तो ये ये ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम लेकर के कि किसी को आना नहीं है कि सर हमारा पूरा डाटा चले जा रहा है ऐसा हो जा रहा है वैसा हो जा रहा है ऑनलाइन बैच का मतलब ही यही है कि ऑनलाइन का मतलब इंटरनेट से चलेगा और इंटरनेट से अगर कोई लेक्चर चलेंगे तो उसमें डाटा खपेगा दूसरा चीज जो सी ई पाठशाला का ये जो मोबाइल ऐप है इसमें जो भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड होंगे उस वीडियो लेक्चर्स का स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने का कोशिश मत कीजिएगा उसमें ऑटोमेटिकली आपको परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा आपको स्क्रीन पर यहां पर एक मैसेज शो होगा बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करते हैं और उन्हें जो है ऐप परमानेंटली ब्लॉक कर देता है इस कंडीशन में मैं फिर आपको

टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर किसी को शेयर करें और उन्हें जो है ऐप की तरफ से ऑटोमेटिकली परमानेंट ब्लॉक करने का मैसेज आ चुका है तो किस कोई ऐसे गलती मत कीजिएगा कोर्स अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो कहीं पर भी कोई भी ऐसा ऐप इंस्टॉल करके मत रखिएगा कि जो बैकग्राउंड में आपके लेक्चर्स को रिकॉर्डिंग करे या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करे या स्क्रीनशॉट लेने का कोशिश मत कीजिएगा ठीक है एक या दो बार वार्निंग आएगा आपको ऐप की तरफ से उसके बाद आपका जो आपका जो यूजर आईडी है उसे परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा ठीक है तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने का कोशिश मत कीजिएगा ठीक अगर बात आती है नोट्स की तो जो सी जी ई पाठशाला का जो आपका जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का जो बैच बनाया जा रहा है जो टॉपिक कवर कराए जाएंगे इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नोट्स कोई भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा पहले ही आपको क्लियर बता दे रहा हूं देखिए ऑनलाइन लेक्चर्स को लोग लाइटली लेते हैं वैसे भी जब से लॉकडाउन लगा है ना सबके सबके सब जो क्लासेस है वो ऑनलाइन हो चुके हैं और ऑनलाइन ने लोगों को आलसी बना दिया है ठीक है कोई मेहनत नहीं करना चाहता अगर आपको पका वीडियो वीडियो पे पुकाचर्स वीडियो मिल रहे हैं अगर देखिए हमारे पास पूरे के पूरे नोट्स अवेलेबल है हम चाहे तो आपको पहले ही जिस रोज आप ज्वाइन करेंगे उसी रोज पूरा का पूरा आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दे लेकिन मतलब क्या होगा वीडियो लेक्चर आपको बना बुनाए मिल रहा है नोट्स आपके हाथ में पका पुकाया चले चले जाएगा मेहनत आप करेंगे नहीं लास्ट टाइम बहुत से ऐसे ऐसे स्टूडेंट थे उन्होंने क्या किया कि वीडियो तो अवेलेबल हो रहा है मोबाइल ऐप में लेकिन उससे उन्होंने देखा ही नहीं और लास्ट के फिर एक महीने में एकदम फटाफट पूरे के पूरे लेक्चर्स तीन महीने के लेक्चर को एक महीने में कवर करने का कोशिश कर रहे आराम से खाना है थोड़ा थोड़ा करके खाना है इकट्ठे खाओगे बदहजमी हो जाएगा ठीक है और मेहनत करना है इसमें आपको असाइनमेंट सबमिशन का भी बताऊंगा मैं जिस जिस रोज पहला आपका लेक्चर आएगा पंद्रह मई को उसमें किस प्रकार से अपना नोट्स बना करके असाइनमेंट सबमिट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसीलिए आपका जो सीट है ना इसलिए सीट आपका लिमिटेड रखा गया है ताकि हम जो है जितने भी स्टूडेंट उन पर हम अपना कमांड रख सके ठीक है तो इसमें जो है आपको किसी प्रकार कोई भी नोट्स नहीं मिलेगा नोट्स आपको अपने से बनाना पड़ेगा और उस नोट्स को हम चेक करेंगे किस प्रकार से आपको नोट्स बना करके सबमिट करना है अगर उसमें कोई गलती होगी तो उसे हम देख करके आपको बताएंगे ठीक है तो नोट्स आपको अपने से बनाना है वीडियो लेक्चर आपको प्रॉपर मिलेंगे टाइम ड्यूरेशन है आपके तीन महीने का ठीक और अगर किसी प्रकार का अगर आपको डाउट भी लगता है मान लीजिए पर्टिकुलर किसी लेक्चर के किसी टॉपिक में आपको डाउट लग रहा है तो उस कंडीशन में आप उस लेक्चर को मेंशन करके सीजीपीएससी ई पाठशाला के मोबाइल ऐप में एक चैट सेक्शन भी है उस चैट सेक्शन में जाकर के लेक्चर का नाम बता करके आप अपने डाउट को वहां मेंशन कर सकते तो हैं डाउट को पूछेंगे तो वहां पर आपको डाउट बता दिया जाए थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टेंट मैसेज करके इंस्टेंट रिप्लाई को उम्मीद करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है मैसेज कर दीजिए समय पर आपको रिप्लाई किया जाएगा ठीक है तो ये है आपके छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की ऑनलाइन बैच से जुड़ी हुई सारी बातें ठीक है जिसमें आपके YouTube पर छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण और आपके छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के वीडियो YouTube पर अवेलेबल होंगे बाकी ये सारा का सारा टॉपिक आपका कवर कराया जाएगा ठीक है तो इन सभी बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा डेली बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड होगा उस वीडियो को देख करके डेली बेसिस पे नोट्स आपको बनाना है उस नोट्स को लिख करके आपको डेली बेसिस पे सबमिट करना है आपको किसी प्रकार नोट्स प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा उसके पीछे का रीजन बस यही है कि आप ऑनलाइन क्लास को थोड़ा सा सिंसियरली ले और अपना खुद के हाथों से अपना खुद का सेपरेट नोट्स बनाए साफ सुथरा नोट्स बनाए देखिए किसी के भी नोट्स से आपको पढ़ने में वो सुविधा या वो कंफर्टेबल नहीं मिलेगा जो आपको अपने खुद के नोट्स को पढ़ने में मिलेगा ठीक है अपने हाथ से लिखी हुई चीजें काफी लंबे समय तक याद रहती है वैसे तो वैसे तो मार्केट में बहुत से आपके बुक्स अवेलेबल है अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स अवेलेबल है अगर आपको पढ़ना है तो आप जाकर के वहां से पढ़ लीजिए लेकिन अगर ऑनलाइन क्लास में पढ़ने आए हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा खुद का अपना सेपरेट नोट्स बनाइए नोट्स को डेली बेसिस पर बनाइए उसे सबमिट कीजिए और अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स को डेली बेसिस पर पढ़िए वीडियो के दौरान किसी प्रकार का मोबाइल ऐप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग या स्क्रीन शॉट लेने की कोशिश मत कीजिएगा वरना आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा मोबाइल ऐप में ठीक है यह हमारे हाथ में नहीं है वो मोबाइल ऐप में सिस्टम ही ऐसा है कि अगर कोई भी उस लेक्चर का या आपका पर्टिकुलर किसी एक सेक्शन का अगर वो स्क्रीनशॉट लेने का कोशिश करेगा तो वो ऑटोमेटिकली तरफ से उन्हें मैसेज आ जाएगा एक या दो वार्निंग मिलती है उसके बाद तीसरे बार में परमानेंटली उसे ब्लॉक कर दिया जाता है मोबाइल ऐप से तो ये सारी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलिएगा और इतमान से देखिए समय हमारे पास भरपूर है अभी बीच कोई एग्जाम ओरिएंटेड हम कोई सिलेबस चला नहीं रहे सी प्री को टारगेट करते हुए चला रहे सफिशियंट टाइम है तीन महीने का समय है जिसमें पूरा कोर्स आपको कवर कवर कराया जाएगा उसके बाद जितने बार चाहे आप उतने बार उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं लेकिन मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि आज जिस रोज वीडियो अपलोड होगा उसी रोज आप उस वीडियो को देख देख करके अपना नोट्स बना लीजिए और डेली बेसिस पर रिवाइज कीजिएगा बहुत अच्छे से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलेंगे अब पंद्रह मई को ऑनलाइन क्लास में चलिए